हाँ तो भाई कैसे हो सर। आई होप सब मस्त होंगे और काफी बढ़िया होंगे। तो फाइनली यार न्यू ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ तुम्हारा भाई 2023 का। तो जैसे कि आज की फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ, आप कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को वॉच करना है तो मैं कुछ इस तरीके का आपको फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। इस तरीके का आप किसी भी ब्लर कैसे कर सकते हो, लेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से आप टोन कैसे दे सकते हो फोटो में। तो वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर कोई ना पाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हारा भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम नाम आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, लिंक तो फॉलो भी कर लेना और वहां पर कुछ भी आप पूछ सकते हो। और वीडियो को मेरे भाई एंड तक वॉच करो तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो एंड तक वॉच करो। और तो चलिए आज की कमाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको लेंस है आपको डाउनलोड कर लेना है, ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से जगह पे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और आपके सामने कुछ फोटो ओपन होंगे। तो ऐसा आपको कर लेना है, आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है आपका कौन सा भी जो फोटो आपको एडिट करना हो। तो जैसे कि मैं वो वाला फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं एडिट करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं ये वाला फोटो, तो ये देख लीजिए मैंने पहला से इसमें एडिट किया है सब कुछ, लेंस ब्लर आप देख सकते हैं, ब्लर और इस तरह का कलर टोनिफेयर, बालों का कलर चेंज मैंने इसी ऐप पर किया है। तो एक ऐप आप एक ही ऐप की मदद से इतना सारा सब कुछ कर सकते हैं अपने फोटो में एडिटिंग। तो काफ़ी गजब का ऐप है, तो एक बार डाउनलोड करना ट्राई करना। तो मैं जो सिंपल फ़ोटो में करके आपको दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल हूबहू इसकी तरह फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हो। तो देख सकते हो इसे, मैं तो मैं क्या करूँगा इसे मैं रियल वाले फ़ोटो में लेके आ जाऊँगा। तो जैसे कि मैं इसे सिंपल फोटो में लेके आ चुका हूँ, तो देख सकते हो आपका सिंपल फोटो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, इसको ब्लर को आपको कर लेना है, इस तरीके से बढ़ा लेना है, तो ये अपने फोटो को ऑटोमेटिक इस तरीके से ब्लर कर लेगा। तो आपको क्या कर लेना है, आपको इस तरीके से ब्लर बढ़ा लेना है। तो मैं 6 पॉइंट रहने देता हूँ ब्लर को। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, बालों का आपको सेकंड दिखेगा, आपको बालों का कलर हेयर कलर आपको चेंज करना है। तो मैं ये जैसे कि ये रेड वाला हेयर रख लूँगा, तो बालों में ये ऑटोमेटिक आप देख सकते हो ऊपर हेयर कलर चेंज हो गया है। तो इसे आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको कम रेड करना है तो कम कर सकते हो। तो मैं इसे फूल ही रहने दे देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो बालों में कलर हो गया है, ब्लर हो गया है। इसके बाद क्या कर लेना है आपको, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको बैक ड्रॉप दिख रहा होगा सेकंड टूल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा ब्लर का ऑप्शन। तो और सेकंड आ गया बुके इफेक्ट। तो बुके इफेक्ट देने के लिए आपको पीछे सिर्फ टैप करना है इस तरीके से, तो आप बुके इफेक्ट इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं तीसरे वाला नंबर चूज़ कर लूँगा। तो देख लीजिए अपने आप ब्लर लेंस इसने क्रिएट कर चुके हैं, लगा लिया है ऑटोमेटिक जस्ट वन क्लिक में। देन इसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपको एडजस्ट पर जाने के बाद आपको मैं एक्सपोजर को क्या करूँगा इसे थोड़ा सा कम कर लूँगा -11, और कॉन्ट्रास्ट को मैं क्या करूँगा इसे कर लूँगा मैं +14, और सैचुरेशन को मैं इसे क्या करूँगा इसे मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा लूँगा 21। देन इसके बाद आपको क्या कर लेना है, वेंटेज पर आ जाना है, वेंटेज को आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है 14, और आपको नीचे आ जाना है, फिर आपको मिलेगा सिलेक्टिविटी कलर टूल। तो ये आपको जैसे लाइट रूम में मिलता है तो इस पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, आपको फर्स्ट वाला मिल जाएगा, ये हमेशा फेस के लिए मिलता है, तो आप इससे फेस इस तरीके से वाइट एंड गोरा कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसे फेस को रिटच कर लूँगा। तो अलग अलग फोटो में अलग अलग होता है, किसी फोटो में एक्सपोजर ज़्यादा होता है, किसी में ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती भी है। तो इन दोनों टूल्स रेड और ऑरेंज की मदद से आप फेस को इस तरीके से रिटच कर सकते हो। तो आप ये सब से कर सकते हो आप, तो मैं इसे मेरे हिसाब से फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो फेस वाइट हो चुका है। तो देख लीजिए पहले का और अभी का, तो फेस गोरा हो चुका है। थर्ड हम क्या करेंगे, हम येलो वाले टूल पर क्लिक करेंगे और इसे माइनस की ओर इस तरीके से आपको लेके जाना है। तो माइनस की ओर इस तरीके से ले जाओगे तो देख लीजिए आपके फोटो में ये ब्लैक टोन इफेक्ट लेके आ जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, ग्रीन वाले को भी आपको क्लिक करके ऐसे भी आपको पीछे की ओर ले जाना माइनस की ओर। तो मैंने फर्स्ट को रख लिया है 86 माइनस, सेकंड को 78 माइनस, और लास्ट वाला को 71। देन इसके बाद आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को भी आपको इसे -26 कर लेंगे, एक्सपोजर को हम कर लेंगे इसे भी -2, और सेटिंग को हम क्या करेंगे इसे इस तरीके से हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के बाद हम नीचे देख सकते हैं कलर टोन इफेक्ट आ चुका है। देन हम इसको भी हम बढ़ा लेंगे, वाइब्रेंस को 98 रख लेंगे, तो ये इस तरीके का इफेक्ट आने लग जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को हम कर लेंगे 30, टेम्परेचर को हम करेंगे -38, और शेडो को हम कर लेंगे -13। तो देख लीजिए काफ़ी कमल का हमने
बिफोर एंड आफ्टर आप फोटो देख सकते हो, काफ़ी गजब का मैंने फोटो को रिटच करना दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और आप सेव पर क्लिक करोगे आपके गले में सेव हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।